हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एकेडमिक हब। दोस्तों, आज मैंने अपना चैनल का नाम चेंज किया है। मैं आप सभी से क्षमा मांगता हूँ। और यह चैनल्स में क्या रखा है, चलिए आज मैं आपको पढ़ाऊँगा साइंस का चैप्टर 2, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन ए लिविंग ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स एंड मैन। अब पिछले चैप्टर में पढ़े थे प्लांट्स कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं, और इसमें पढ़ेंगे एनिमल्स और मैन कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं। नाउ दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको चैप्टर 1 में पढ़ाया था ऑटोट्रॉफ्स क्या होता है, वैसे प्लांट या एनिमल जो अपना भोजन खुद से बनाते हैं उन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। डैट प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। हेटरोट्रॉफ्स, अरे यार सीधा उसका ऑपोजिट कर दो। वैसे प्लांट्स एनिमल जो अपना भोजन खुद से नहीं बनाते बल्कि दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं। एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड इज कॉल्ड हेटरोट्रॉफ्स। नाउ मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, अब भोजन लेने की प्रक्रिया। द मेथड ऑफ टेकिंग इन फूड इज डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। भोजन लेने की प्रक्रिया अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है। लाइक जैसे अ स्पैरो हैज अ शॉर्ट बीक टू पिक अप सीड्स एंड वर्म्स। चिड़िया का एक छोटा सा चोच रहता है जिसके द्वारा वो सीड्स और वर्म्स को पिकअप करती है, उठाती है भोजन करने के लिए। द लॉन्ग टेबुलर बीक ऑफ द हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड का लॉन्ग टेबुलर बीक होता है, हेल्प इट टू सक नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स। जो उसे फ्लावर्स में से नेक्टर सक करने में मदद करते हैं। यार अगर दोस्त अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो उसे लाइक करते जाइए। यार आप लोग लाइक करते हैं तो मुझे आगे वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। नाउ फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स का फूड हैबिट, इसके बेसिस पर एनिमल्स को 3 भागों में बांटा गया है। एनिमल्स हैव 3 डिफरेंट कैटेगरीज। नाउ फर्स्ट हर्बीवोरस, द एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स मटेरियल्स इज कॉल्ड हर्बीवोरस। आप लोग तो जानते हैं वे एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट मटेरियल खाते हैं उन्हें हर्बीवोरस कहते हैं। जैसे काऊ, डियर, गोट और बहुत सारे एट्सेट्रा। दूसरा है कार्निवोरस, द एनिमल्स डैट ईट ओनली फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स इज कॉल्ड कार्निवोरस। कार्निवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स का सिर्फ फ्लेश खाते हैं, उन्हें कार्निवोरस कहते हैं। जैसे लाइन, लायन, टाइगर, वॉल्स। और थर्ड द एनिमल्स डैट बोथ एनिमल्स एंड प्लांट मटेरियल्स इज कॉल्ड ओमनीवोरस। वैसे एनिमल्स जो दोनों खाते हैं प्लांट्स मटेरियल भी और अदर एनिमल का फ्लेश भी, उन्हें ओमनीवोरस कहते हैं। जैसे बियर, ह्यूमन बींग्स, हम लोग भी जैसे प्लांट मटेरियल में हम लोग सब्जियां खाते हैं और फ्लेश अदर एनिमल का जैसे हो गया चिकन खाते हैं, फिश खाते हैं और बहुत कुछ। नाउ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का मोड्स क्या है। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स इट न्यूट्रिएंट्स। वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट, जो अपना न्यूट्रिशन डिकेइंग प्लांट या एनिमल के मैटर से लेते हैं, सड़े गले मैटर से लेते हैं, उन्हें सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। एग्जांपल में फंगी, बहुत सारे बैक्टीरिया भी होंगे। नाउ सेकंड पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, अब पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स फूड फ्रॉम सम अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन अदर एनिमल्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स से लेते हैं उन्हें पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे राउंड वर्म्स। और हाँ दोस्तों, ये लाइन में लिखना भूल गया,
ये शरीर के अंदर या बाहर भी रहते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। नाउ थर्ड, होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है। एन ऑर्गेनिजम्स लाइक अमोइबा एंड ह्यूमन बींग्स, ऐसे ऑर्गेनिजम जैसे अमोइबा और मनुष्य ईट फूड डैट इन सॉलिड और इन लिक्विड स्टेट, ऐसा भोजन खाते हैं जो सॉलिड स्टेट में होता है या लिक्विड स्टेट में होता है। दोस्तों, आपको आज की मेरी वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं जो भी पहला वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।